बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं भी अपने प्रेजेंट जो मेरा बैंक है उसमें भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी थी। इवन मेरे हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे इतना स्ट्रेस के वजह से। तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे यहाँ से निकलूं, बट सोचती थी निकलूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी, फिर प्राइवेट में जाने का बिल्कुल भी कोई मन नहीं था। मतलब हमारी फैमिली में फर्स्ट जॉब है जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। अरे यार बहुत बढ़िया। मैं एल्डर वन, तो आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। तो एक स्टार्टिंग से कहा कि मुझे मतलब कुछ एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं उनके लिए भी। बहुत खुश है निर्वाद, बहुत थैंक यू आपका। नहीं नहीं जितना आप खुश है उससे ज्यादा मैं खुश हूँ कि हमारे मतलब मेहनत जो है फाइनली काम आता है, रंग लाता है। We have more than 11,000 success stories to share with you in last 3.5 years, and we are the only platform in India to do so in professional banking segment. No matter for whatever exam you are preparing in professional banking, like credit, law, IT, generalist, risk, forex, etc., we have a dedicated course for you. Check the links in description, visit our website, WhatsApp us on the number showing on your screens. Our classes are specially designed for working professionals. Late night classes, weekend doubt clearing sessions, easy to understand notes, PDFs, classes, quiz, videos, recordings, all are available for your age. So don't delay. A greater career opportunity is awaiting you at public sector banks. Go and explore. Yes, Manisha, welcome to the session. Let me introduce to the audience of Knowledgeist. Manisha Nair cleared Indian Bank NR business for us. So many, many congratulations, Manisha. आपने ये कैसे किया? How you have done this? Thank you, sir. Thank you, sir. Actually, मैं CBO के लिए ही prepare कर रही थी. First time मैंने attempt किया था. मेरा उसमें connection नहीं हुआ था. One mark से interview में मेरा रह गया था इस बार. So उसके बाद मैंने Indian Bank का भरा था. एज आपने नोटिफिकेशन मतलब वो वीडियो वगैरह बनाया था, उसी से इंटीमेशन मिला कि कैसे उसको कि हम मतलब फिल कर सकते हैं, तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत किया था बस। बाकी एक्सपीरियंस था ही सीबीओ का, थोड़ा वो वहाँ पे वर्क किया इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, पैनलिस्ट वाज वेरी हैप्पी। एंड यू मेड इट। तो फॉरेक्स का आपका ये पहला एग्जाम था या फिर इससे पहले आपने फॉरेक्स के ऊपर एनआर बिजनेस यानी कि फॉरेक्स के ऊपर कोई दूसरा एग्जाम दिया था आपने? No sir, this was my first exam and first attempt I have cleared. Oh, तो CBO नहीं हुआ कोई दुख नहीं है, आपने दूसरा भी एग्जाम क्रैक कर लिया, which is tougher than CBO, which is a specialized position, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो हारने का नहीं। ये मेरे जो एग्जिस्टिंग CBO बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नसीहत है, बहुत अच्छा लर्निंग है। यू शुड नॉट स्टॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर फॉर 3-4 एग्जाम्स इन ए रो, फिर नहीं होता है तो आप आगे सोचिए। लोग 8-10 एग्जाम भी देते हैं, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में सिलेक्शन हुआ। नॉलेज कहीं पे वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज नेवर गोज इन टू वेन। सो थैंक यू मनीषा। और आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया? नॉलेज तो था ही आपके साथ। स्ट्रैटेजी यही था जैसे आपने गाइड किया था कि ऑफिस के बाद 9 to 10, 11 तो क्लासेस होता ही था, उसके बाद थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडीज, जो ऑफ डेज होते थे सारे प्लान सब कुछ कैंसिल थे, कहीं भी अब होता नहीं था। ऑफिसेज की जो पार्टीज थी सब कैंसिल करती थी, सिर्फ अपना कोई ज्यादा टाइम नहीं, ओनली जो भी मेन मेन काम होता था बस वही करते थे, और बहुत ज्यादा परेशान थी मैं भी अपने प्रेजेंट जो मेरा बैंक है उसमें भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी थी। इवन मेरे हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे इतना स्ट्रेस के वजह से। तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे यहाँ से निकलूँ, बट सोचती थी निकलूंगी तो फिर कहाँ जाऊँगी, फिर प्राइवेट में जाने का बिल्कुल भी कोई मन नहीं था। ये था क्या करूंगी तो फिर घर पे सेल्फ स्टडी ही करूंगी, बट फ्रॉम फाइनली यू मेड इट। मैंने भी आपके क्लास में आप बहुत अटेंटिव रहते हुए देखा है, मेरे क्लास में आंसर्स भी आपने दिया हुआ है, आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़ा। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विद यू बाय फेस, अदरवाइज आई स्पोक टू यू एज वेल। तो टीम से भी आपका बात होता है, टीम ने भी मुझे बोला यू आर रियल हार्डवर्किंग गर्ल। So you made it. Parents भी sir बहुत happy है, मतलब they are not believing कि कुछ ऐसा हुआ है, मतलब private के बाद तो सोचता ही नहीं है कि मतलब बच्चे दोबारा जाएंगे उसमें study करेंगे इतने age के बाद, मतलब they are not also believing. My father is here, he wants to talk to you. सर नमस्कार, माता जी और पिताजी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम जी, कैसे हैं? बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद है हमारे साथ, बहुत खुश हैं। आशीर्वाद है, बहुत थैंक यू आपका। नहीं नहीं जितना आप खुश है उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हमारे मतलब मेहनत जो है फाइनली काम आता है, रंग लाता है।
एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो उसने अपना मतलब जो जोश है उसको नहीं खोया, केप्ट प्रिपेयरिंग, बहुत अच्छा है। और आप लोगों का सपोर्ट उनके साथ है तो वो सफलता तो मिलना ही था। आपका सपोर्ट बहुत मतलब नहीं, मैं तो बहुत गर्वित हूँ कि मुझे मतलब इतने सारे बच्चों का पेरेंट्स जो हैं उनकी आशीर्वाद मिलता है। मेरे माताजी और पिताजी का आशीर्वाद है तो मेरे सर के ऊपर, और आप लोगों का आशीर्वाद उसके ऊपर, मतलब हारने का ही नहीं है मुझे। जी, बुजुर्गों का तो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बस खुश रहिए सर, बहुत मेहनती है आपकी लड़की। जी मैडम, धन्यवाद माता जी, आपको भी, आप लोगों का आशीर्वाद है। मतलब मेरे मतलब हमारी फैमिली में फर्स्ट जॉब है जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। अरे यार बहुत बढ़िया, मैं एल्डर वन, तो आई हैव टू यंगर सिस्टर्स, तो एक स्टार्टिंग से कहा कि मुझे मतलब कुछ एक अच्छा एग्जांपल सेट करना है उनके लिए भी, और अपने पेरेंट्स के लिए भी, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखता है और दे आर वेरी हम्बल, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो आजकल तो मैं बहुत बिंदास बहुत खुश रहता हूँ। कोई मेरा दोस्त बोल रहा था ये करेंगे क्या होगा आगे, चलो कुछ एवर थिंकिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतने सारे लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर है, कोई डरने का नहीं है। जो होगा सबसे बेहतर जो होना है किसी के साथ वो मेरे साथ ही होगा। इतने लोग मुझे मेरे ऊपर खुश हैं आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके, जितना खुशी मिला उससे बहुत ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स से बात करके मिला। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे तरफ से उनको भी और एक बार प्रणाम दे देना, और ऐसे ही मेरे ऊपर और नॉलेजिस्ट के ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखें। श्योर सर, श्योर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।